महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने आने वाले सभी चुनाव के लिए अभी से पिच तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बीजेपी को रण में हराने के लिए सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक होने का मन बना चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब महाराष्ट्र में ही हो रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ये रणनीति अपनाई जा रही है, या बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन की रणनीति को हर जगह बनाया जा रहा है। हाल की बात करें तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिशों में जुटा दिखाई दे रहा है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि विपक्ष में कितनी एकता है और कौन बन पाया है किंग मेकर। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चुनाव में साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने 40 साल का जो एजेंडा दिया उस पर पार्टी कितनी खरी उतर पाई है, क्या अभी मोदी लहर कायम है, इन तमाम अटकलों पर तस्वीर साफ हो पाएगी आने वाले दिनों में। इसी बीच खबर यह है कि 26 अगस्त शुक्रवार को शिवसेना ने राज्य के संभाजी ब्रिगेड नाम के संगठन के साथ गठबंधन किया। ये उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की बात कर रहे हैं। ठाकरे गुट की शिवसेना अगले सारे चुनाव संभाजी ब्रिगेड के साथ मिलकर लड़ेगी। हालांकि इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये गठबंधन चुनाव के लिए हुआ है, ये कहना उचित नहीं है, अगर ऐसा होता तो चुनाव के वक्त गठबंधन की घोषणा होती। ये गठबंधन क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की उनके खिलाफ बगावत करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा हुआ वो चले गए, असंग का संग छूट गया। उन्होंने शिंदे गुट के इस आरोप का भी जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व की राह से भटक गई और असंग के संग यानी कांग्रेस एनसीपी के साथ चली गई, बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सवाल उनसे पूछे जाने से पहले बीजेपी से पूछा जाए कि क्या वो संघ की विचारधारा पर आज चल रही है। बीजेपी के पास येन गेन प्रकारण सत्ता पाने के सिवा और कौन सी विचारधारा रह गई है। ठाकरे गुट की शिवसेना का संभाजी ब्रिगेड से गठबंधन की घोषणा करने के बाद शिंदे गुट की शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे को किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ा, चलिए हम उन्हें इस नई शुरुआत के लिए बधाई देते हैं, लेकिन इसे शिवसेना का संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन ना कहा जाए, ये उन्होंने गलत कहा कि अच्छा हुआ शिंदे गुट वाले चले गए, हम कहीं नहीं गए, हम ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, हम शिवसेना में ही हैं, आगे देखना ये है कि कौन सी शिवसेना आगे जाती है, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली हमारी शिवसेना या उनके विचारों को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है लेकिन दोनों ही बाला साहब ठाकरे के सपनों की बात कर रहे हैं। और ये सारी कवायद हो रही है बीएमसी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि शिवसेना की बड़ी ताकत बीएमसी चुनाव में रही है। इस सबके बीच में राज ठाकरे भी एक्टिव है और संभाजी ब्रिगेड के साथ में जो गठबंधन उद्धव ठाकरे ने किया है वो भी इन चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। हालांकि खुद उद्धव का कहना है कि चुनाव के बहुत पहले हम ये गठबंधन कर रहे हैं, इसको क्षेत्रीय अस्मिता से लोकतंत्र को बचाने की कवायद से जोड़कर देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की महाराष्ट्र में चल रही हैं और इस सबके बीच में उद्धव ठाकरे एक तरह से इशारा भी दे रहे हैं कि वो अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए या वापसी करने के लिए किस तरह की कोशिशें कर सकते हैं। पहला डिसीजन उन्होंने कल ही लिया था कि महाविकास आघाड़ी के साथ ही वो चुनाव में उतरेंगे। हालांकि निकाय चुनाव के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने कहा निकाय चुनाव के लिए समीकरण नहीं है। और साथ ही साथ संभाजी ब्रिगेड के साथ में आना, छोटे छोटे दलों को छोटे छोटे संगठनों को साथ में जोड़ना और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास दिखाई पड़ता है। जमीन पर वो महाप्रबोधन यात्रा निकाल रहे हैं, शिव संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, इन सारी यात्राओं के जरिए वो कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तैयारियां उद्धव ठाकरे की हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि हमने शिवसेना छोड़ी ही नहीं है, हम तो असली शिवसेना है और हम कभी शिवसेना से बाहर गए ही नहीं है। दरअसल ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि अच्छा हुआ वो बाहर चले गए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसके पास रहता है, इससे बहुत सारी चीजें साफ हो पाएंगी, बड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।